प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने के लिए भारत नेपाल खो खो प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 25 मई को अजमेर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में राजस्थान, असम, पंजाब और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में नेपाल की टीम भी हिस्सा लेगी। आयोजन सचिव डॉक्टर असगर अली के अनुसार प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग के मुकाबले अलग अलग होंगे, जिनके मध्य 5 टेस्ट मैच की सीरीज आयोजित की जा रही है। यह सभी मुकाबले डे नाइट होंगे, जिनका प्रारंभ शाम 6 बजे से किया जाएगा। राजस्थान खो खो संघ और भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली के तत्वावधान में 25 तारीख को दयानंद महाविद्यालय के खेल प्रांगण में एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मोदी जी की मुहिम है, जिसके अंदर खेलों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, खेलों को किस तरीके से उठाया जाए, उसमें क्लबिंग करके दो दो राज्यों को मिलाया गया है, जैसे राजस्थान के साथ आसाम को और हमारे जो अपोनेंट सामने रहेगा वो पंजाब और आंध्र प्रदेश की टीमें मिलकर एक टीम बनेगी और वो मैच खेलेगी गर्ल्स का और बॉयज का होगा। इसके अंदर भारत की जो टीम है ओरिजिनल वो और नेपाल की एक टीम है जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, क्योंकि नेपाल की जो टीम है वो 5 मैच खेल रही है। पहला मैच उनका कल फरीदाबाद में 22 तारीख को खेला जा रहा है, दूसरा मैच 25 तारीख को अजमेर में खेला जाएगा और 27 तारीख को तीसरा मैच इंदौर मध्य प्रदेश में खेला जा रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है बाल संस्कार शिविर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।